ये कहानी रिचर्ड नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जिसे अपनी बहन से सच्चा प्यार हो जाता है। एक दिन उसके बहन की शादी हो जाती है, उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आना नहीं छोड़ते। आगे दुनिया इनके रिश्ते को किस नज़र से देखती है, वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इस मूवी का नाम है क्लोज माय आईज और ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम रिचर्ड नाम के लड़के को देखते हैं, जो आज बहुत दिनों के बाद अपनी बहन नेथली से मिलने जा रहा था, क्योंकि जब ये दोनों छोटे थे तो इनकी मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए बचपन से ये दोनों अलग अलग रहते थे। नेथली अपने भाई से मिलके काफी खुश होती है, क्योंकि मॉम डैड के जाने के बाद उसका वहाँ अपना कोई नहीं था। नेथली अपने भाई से बताती है कि मेरे बीएफ ने मुझे रिसेंटली छोड़ दिया। रिचर्ड ये बात सुनके थोड़ा सैड हो जाता है और उसके बाद वो नेथली को खुश करने की कोशिश करता है। रात में घर के बगल में पार्टी चल रही थी, जिसके कारण रिचर्ड की नींद खुल जाती है और उसके बाद वो नेथली के पास जाता है। नेथली काफी सैड थी, जिसके बाद वो रिचर्ड को देख के उसे किस कर लेती है और उसके बाद वो उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि नेथली खुद को अकेला पाके इनोसेंट हो जाती है। अगले दिन रिचर्ड अपने बिजनेस के काम से शहर से बाहर जा रहा था, तब उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट नेथली के घर भूल आया है और उसके बाद वो नेथली को कॉल करके अपना पर्स मंगवाता है, क्योंकि अगर वो पर्स लाने गया तो उसकी ट्रेन मिस हो जाएगी। उसके बाद नेथली उसका पर्स लेके आती है और उससे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा समय निकाल के तुम मुझे कॉल जरूर करना। उसके एक साल बाद नेथली उसे कॉल करती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें पूरे एक साल हो चुके हैं लेकिन तुमने मुझे कॉल नहीं की। लेकिन रिचर्ड इधर किसी के साथ घवाघव करने में बिजी था, इसलिए वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कल पक्का कॉल करूंगा। उसके बाद नेथली गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी तरह ऑफिस में मैं भी बिजी रहती हूँ और वो गुस्से में फोन काट देती है। उसके बाद 6 साल बीत जाते हैं और रिचर्ड के बिजनेस के एल लग जाते हैं, रिचर्ड के बिजनेस के 4 चांद लग जाते हैं और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। उसके बाद नेथली उसे फिर से कॉल करती है और बोलती है कि बीते 6 सालों में तुमने दोबारा मुझे कॉल नहीं की। वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें सिंक्लेयर से नहीं मिलना। रिचर्ड बोलता है कि ये चूतिया कौन है, ये दीपक कलाल का भाई है क्या। नेथली बोलती है कि नहीं, मैंने शादी कर ली लेकिन तुम मेरी शादी में भी नहीं आए, तुम जल्दी से मेरे घर आओ और उसके बाद हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद रिचर्ड नेथली के घर जाता है, उसका घर काफी बड़ा और काफी अच्छा था। उसके बाद वो नेथली से मिलता है, जो उससे अभी तक नाराज थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नेथली का बर्थडे था और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड नेथली को ही देख रहा था क्योंकि नेथली उसे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद नेथली रिचर्ड से बात करने लगती है और अगले दिन वो उसे अपना ऑफिस दिखाती है और उसके बाद रिचर्ड नेथली को अपने घर बुलाता है। कुछ दिनों बाद नेथली रिचर्ड के घर जाती है, जिस पर रिचर्ड उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। तभी नेथली रिचर्ड को किस कर लेती है, जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाता है। रिचर्ड को नेथली काफी प्यारी लगती है, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ घवाघव करने की कोशिश करने लगता है, पर नेथली उसे रोक के समझाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन बाद में नेथली भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों मिलके घवाघव करते हैं। उसके बाद नेथली रिचर्ड से बोलती है कि ये हमारा पहला और आखिरी मिस्टेक है और इसके बाद हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नेथली उससे बोलती है कि मैंने और सिंक्लेयर ने एक पिकनिक का प्लान बनाया है जिसमें तुम्हें हमारे साथ चलना है। उसके बाद सब लोग पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन रिचर्ड वहाँ अलग ही चूतियापंती कर रहा था। वो वहाँ एंजॉय करने के अलावा बस नेथली को ही देख रहा था और वो बस उसी की फोटोज क्लिक कर रहा था। उसके बाद रिचर्ड नेथली के पीछे पागल कुत्ते की तरह जाता है, जिससे नेथली काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो रिचर्ड से बोलती है कि तुम मेरा पीछा ऐसे मत करो, मेरे पास सिंक्लेयर की दूसरे फ्लैट की चाबी है और उसके बाद हम दोनों वहाँ जाके आराम से बात करेंगे। अगली रात नेथली अपने हस्बैंड के साथ घवाघव करती है और उससे बोलती है कि मुझे ऑफिशियल काम से 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना होगा, जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ जाने की परमिशन दे देता है। उसके बाद नेथली रिचर्ड को वहाँ अपने साथ लेके जाती है और वो दोनों जाते के साथ ही वहाँ एक साथ घवाघव करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। उसके बाद नेथली का हस्बैंड उसे कॉल करता है और नेथली बोलती है कि मुझे यहाँ एक अच्छा सा होटल मिल गया है और मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेथली रिचर्ड से बोलती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और तुम्हें अपने लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी अपने घर रहना है। इधर सिंक्लेयर घवाघव के बिना काफी परेशान रहने लगा था, क्योंकि BMW चलाने के बाद उसे हाथ गाड़ी से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसलिए वो नेथली पर शक करने लगता है और वो सारे होटल पे कॉल करके नेथली के बारे में पूछता है, लेकिन किसी भी होटल पे नेथली नहीं थी। अगले दिन नेथली रिचर्ड को समझाती है कि तुम मेरे भाई हो और मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह प्यार किया है, पर रिचर्ड को इन बातों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नेथली से गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। उसके बाद जब नेथली वापस आती है तो उसका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है और रात में उसे रिचर्ड की कॉल आती है। रिचर्ड उससे बोलता है कि मैंने घवाघव के लिए एक लड़की ढूंढ ली है, क्या तुम्हें उससे जेलिस भी हो रही है, जिसके बाद नेथली बिना बोले उसका फोन काट
काट देती है और कोने में जाके रोने लगती है। इसका मतलब साफ है कि अब उसे भी रिचर्ड से प्यार हो गया था। अगले दिन नकली रिचर्ड से मिलने के लिए जाती है और वो उसे किस करके गुस्से में बोलती है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड के बॉस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रिचर्ड अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है। वहाँ से आने के बाद वो नथली के घर जाता है जहाँ सिंक्लेयर उससे बोलता है कि नथली घर पे नहीं है और वो उसे अपने साथ बोट पे शेयर करवाने के लिए ले जाता है। उसके बाद वो रिचर्ड से बोलता है कि मुझे लगता है कि नथली का किसी और के साथ अफेयर है, जिसे सुनकर रिचर्ड की फट के 4 गुना 16 हो जाती है क्योंकि वो पापी दरिंदा रिचर्ड ही था। वापस आने पे नथली उनका वेट कर रही थी और वो रिचर्ड से बोलती है कि तुम्हारे जीजू ने यहाँ से एक प्लान बनाया है और हम लोग यहाँ से दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद रिचर्ड मौका देख के नथली से अकेले में पूछता है कि क्या तुम लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हो, लेकिन नथली के पास इसका कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद रिचर्ड बच्चों की तरह रोने लगता है बेंच। उसके बाद रिचर्ड घर जाता है और मजे से बाथरूम सीट पे बैठ के वो नींद की बहुत सारी गोलियां खा लेता है और मरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ नथली आ जाती है जो उसे वॉमिटिंग करा के उसे बचा लेती है और वो उसे अपने साथ गुड बाय पार्टी में लेके आती है, जहाँ रिचर्ड बहुत ज्यादा पी लेता है और वो नथली को धै भटावट मारते हुए अपने साथ ले जाता है। तभी वो दोनों सड़क पे गिर जाते हैं और रिचर्ड उससे बोलता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम मुझे अपना बना के मुझे छोड़ के जा रही हो। तब नथली उससे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। उसके बाद वो दोनों सुअर जैसी शक्ल बना के पार्टी में वापस आते हैं, जहाँ सिंक्लेयर उसकी कपड़ों की हालत देख के सोचता है कुछ तो हुआ है कुछ। उसके बाद सिंक्लेयर उनसे अकेले में बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, पर मुझे उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद वो तीनों साथ में बाहर जाने लगते हैं, लेकिन सिंक्लेयर रिचर्ड को कुछ नहीं बोलता क्योंकि डायरेक्टर ने उसे बोलने से शायद मना किया था और बोला होगा कि साले अगर तूने कुछ भी बोला तो तेरे 50 रुपए काट लूंगा।